नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस गैंगस्टर की बात करेंगे जिसको दिल्ली की अदालत ने 11 मामलों में भगोड़ा घोषित कर रखा था। कहते हैं गुज्जर गुज्जर आपस में लड़े या मरे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई दूसरा उनको युद्ध के लिए ललकार दे तो इस बिरादरी के लोगों के कलेजे को तब तक आराम नहीं मिलता जब तक वो अपने दुश्मन को रास्ते से ना हटा दें। दिनेश गुज्जर हरियाणा के पानीपत जिले के गांव चुलकाना का रहने वाला था। आपको बता दें ये गांव बाबा कालेश्वर और खाटू श्याम जी के नाम पर बहुत मशहूर है। इस गांव में गुजरों का दबदबा माना जाता है। दिनेश गुज्जर बचपन से ही दबंग किस्म का व्यक्ति था। उसके सामने कुछ भी कहने से पहले लोग हजार बार सोचते थे। एक गुज्जर की दूसरे गुज्जर से लड़ाई मानो दो शेरों की लड़ाई। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि दिनेश गुज्जर की लड़ाई अपने ही गांव के व्यक्ति श्रीपाल गुज्जर से हो जाती है। कई सालों तक उनका झगड़ा चलता आ रहा था। दिनेश ने अब इस झगड़े पर ब्रेक लगाने का सोच लिया। उसको ये अपनी नज़रों में ठीक लग रहा था। सन 1999 में दिनेश गुज्जर ने श्रीपाल गुज्जर को मार डाला। ये उसका पहला संगीन जुर्म था। यहाँ से ही वो जुर्म के रास्ते चल पड़ा। उसने अब हत्या, जमीन पर कब्जे, लूट और रंगदारी जैसे कामों को करना शुरू कर दिया था। हरियाणा पुलिस का दिनेश के प्रति बहुत कड़ा रवैया था, लेकिन अभी भी दिनेश पुलिस से निडर अपने कामों को जोरों शोरों से अंजाम दे रहा था। वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसका एक पांव जेल में रहता तो एक पांव बाहर। एक समय ऐसा भी आया जब उसको दिल्ली अदालत ने 11 मामलों में भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। उस पर 26 से भी ज़्यादा केस दर्ज थे। 1999 में दिनेश ने श्रीपाल गुज्जर की हत्या की थी तो कहते हैं श्रीपाल का भाई विजय गुज्जर दिनेश गुज्जर से बदला लेना चाहता था। विजय गुज्जर को मौका नहीं मिल रहा था। दिनेश गुज्जर को पता था कि विजय गुज्जर कभी भी उसको मार सकता है। विजय गुज्जर कुछ बिगाड़ता उससे पहले ही दिनेश गुज्जर ने उसको मौत के घाट उतार दिया। हरियाणा में दिनेश गुज्जर का नाम बड़े बड़े बदमाशों में गिने जाने लगा था। जब भी दिनेश का कोई बदमाश नाम सुनता था तो वो बदमाश एक बार दिनेश गुज्जर से मिलने का जरूर सोचते थे। दिनेश जो भी एक बार कह देता था वो करके ही मानता था। दिनेश ने 4 बिजनेसमैन से 5 लाख की डिमांड भी की थी और उस समय 5 लाख बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। पुलिस दिनेश गुज्जर को पकड़ने के लिए प्लान तैयार करती। हर बार दिनेश बच जाता था। अब हरियाणा पुलिस ने दिनेश को मारने का सोच लिया था। जब इस बारे में दिनेश को पता चला तो वो दिल्ली से फरार हो जाता है। ये वो समय था जब हर बदमाश दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले और तंग गलियों वाले इलाकों में पुलिस से छिपा करते थे। ऐसा ही कुछ दिनेश ने किया। हरियाणा पुलिस अब भी दिनेश की तलाश में थी। इसी बीच दिनेश का साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दिल्ली एसटीएफ ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने दिनेश के ठिकाने के बारे में सब कुछ बता डाला। दिनेश दिल्ली में अपने धंधों को जमा रहा था। वहां से ही वो अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा था। कहते हैं जुलाई 2006 में दिनेश गुज्जर अपने साथी से मिलने आने वाला था। इधर पुलिस ने दिनेश के लिए जाल बिछा रखा था। दिल्ली के द्वारका इलाके में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास दिल्ली एसटीएफ सिविल ड्रेस में दिनेश का इंतजार कर रही थी और कोने कोने में दिल्ली एसटीएफ के अधिकारी मौजूद थे। तभी दिनेश गुज्जर अपनी कार में आता है और पुलिस उसको चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस ने उसको सरेंडर करने को कहा, लेकिन दिनेश ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस जवाबी हमले में दिनेश को मार डालती है। तो दोस्तों, ये थी दिनेश गुज्जर की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।